हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज हम मेमोग्राफी के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स मेमोग्राफी के पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में मेमोग्राफी का इंट्रोडक्शन और कुछ कंपोनेंट्स की बात कर चुके हैं शेष बचे कुछ कंपोनेंट्स की स्टडी आज हम करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स पार्ट फर्स्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं तो आइए जानते हैं मेमोग्राफी के कंपोनेंट्स के बारे में फ्रेंड्स मेमोग्राफी के कंपोनेंट्स में जनरेटर मेमोग्राफी एक्सरे ट्यूब टारगेट मटेरियल फोकल स्पॉट और फिल्टर्स की बात इस वीडियो से पहले वाले वीडियो पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं तो आज हम कंपोनेंट्स में कॉलीमीटर या कॉन कंप्रेशन पेडल ग्रिड और ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल के बारे में स्टडी करेंगे मेमोग्राफी का सिक्स नंबर कंपोनेंट्स है कॉलीमीटर या कौन यूज टू सेप रेडिएशन फील्ड मतलब कॉलीमीटर का यूज रेडिएशन फील्ड को प्रॉपर सेप देने के लिए किया जाता है इस्मॉलर रेडिएशन फील्ड मीन्स लेस स्केटर कॉलीमेट वेन यू कैन मतलब जब आप कॉलीमेट करते हैं तो स्मॉलर रेडिएशन फील्ड का मतलब है कम स्केटर होना स्मॉलर एक्सपोज एरिया बेटर लो पेशेंट डोज मतलब स्मॉल एक्सपोज एरिया बेटर लो पेशेंट डोज देता है मतलब कोलिमेशन का एरिया जितना छोटा होगा पेशेंट को डोज उतनी ही कम लगेगी मेमोग्राफी का नेक्स्ट कंपोनेंट है कंप्रेशन सिस्टम ब्रेस्ट कंप्रेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल मेमोग्राफी एग्जामिनेशन मतलब सभी मेमोग्राफी एग्जामिनेशन में ब्रेस्ट कंप्रेशन बहुत जरूरी होता है कंप्रेशन पेडल इज अटैच टू द मशीन इसको इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो कंप्रेशन पेडल होता है वह मशीन से अटैच होता है अमाउंट ऑफ कंप्रेशन इज बिटवीन 25 टू 40 पाउंडस ऑफ प्रेशर मतलब जो ब्रेस्ट होता है उसको कंप्रेशन करने का अमाउंट 25 से 40 पाउंड्स प्रेशर के बीच में होता है वन टू फोर एम एम थिक प्लास्टिक प्लेट मतलब ब्रेस्ट कंप्रेशन के लिए वन से फोर एम एम थिक मतलब मोटी प्लास्टिक की प्लेट होती है इन मेमोग्राफी द ब्रेस्ट इज कंप्रेस्ड यूज ए रिगिड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंप्रेशन प्लेट विच कैन बी मोटर ड्रिवन। मतलब मेमोग्राफी में, में, में ब्रेस्ट को एक कठोर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंप्रेशन प्लेट का यूज किया जाता है जिसे मोटर ड्रिवन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ब्रेस्ट को कंप्रेशन करने के लिए यह कंप्रेशन प्लेट होती है और इसके नीचे फिल्म होती है अब ब्रेस्ट सपोर्ट प्लेट की बात करते हैं इट्स द प्लेट दैट होल्ड द ब्रेस्ट मतलब ब्रेस्ट सपोर्ट प्लेट वह होती है जो ब्रेस्ट को होल्ड करके रखती है इसके दो पार्ट्स होते हैं फर्स्ट अपर पार्ट यह कार्बन फाइबर से बना होता है सेकेंड है लोअर पार्ट यह लेड से बना होता है अब कंप्रेशन सिस्टम के एडवांटेज की बात करते हैं मतलब ब्रेस्ट को कंप्रेशन करने में रेडियोग्राफी फिल्म में क्या क्या फ़ायदा होता है फर्स्ट है प्रोवाइड्स इमोबिलाइजेशन ऑफ द पार्ट ड्यूरिंग एक्सपोजर मतलब एक्सपोजर के दौरान ब्रेस्ट पार्ट को इमोबिलाइजेशन मतलब यह ब्रेस्ट को स्थितीकरण प्रोवाइड करता है इम्प्रूव द कॉन्ट्रास्ट एंड इमेज क्वालिटी यह कॉन्ट्रास्ट और इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करता है reduced ब्लरिंग फ्रॉम पेशेंट मोशन यह पेशेंट मोशन से ब्लरिंग को कम करता है reduce द स्क्रेटरेड रेडिएशन यह स्केट रेडिएशन को कम करता है डिक्रीज द thickness ऑफ द ब्रेस्ट यह ब्रेस्ट की थिकनेस को कम करता है बेटर इसुलाइजेशन ऑफ टिश्यूज नियर द चेस्ट वॉल मतलब यह चेस्ट वॉल के पास टिश्यूज़ को बेटर इसुलाइजेशन देता है रिड्यूस टिश्यू ओवरलैप एंड इम्प्रूव रिजोल्यूशन यह टिश्यू ओवरलैप को कम करता है और रिजोल्यूशन को इम्प्रूव करता है मेमोग्राफी का नेक्स्ट कंपोनेंट्स है ग्रेड्स इम्प्रूव द इमेज क्वालिटी मतलब यह इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करती है बिटवीन द स्क्रीन एंड द फिल्म यह स्क्रीन और फिल्म के बीच में लगी होती है ग्रिड रिड्यूज स्केट रेडिएशन इफेक्टिवली मतलब ग्रिड स्केट रेडिएशन को प्रभावी ढंग से कम करती है ग्रिड रेशो फोर रेशियो वन और फाइव रेशो वन लीनियर मतलब मेमोग्राफी में ग्रिड रेशियो फोर रेशियो वन और फाइव रेशो वन लीनियर होता है ग्रिड फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्टी टू फोर्टी लाइंस पर सेंटीमीटर मतलब मेमोग्राफी में ग्रिड की फ्रीक्वेंसी 30 टू 40 लाइंस पर सेंटीमीटर होती है मूविंग एंटी स्केटर ग्रिड आर यूज्ड इन नॉर्मल मेमोग्राफी मतलब नॉर्मल मेमोग्राफी में मूविंग एंटी स्केटर ग्रिड का यूज किया जाता है फिल्म का लास्ट कंपोनेंट्स है ए मतलब ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल फोटो टाइमर आर आल्सो कॉल्ड ए डिवाइस मतलब फोटो टाइमर को ए डिवाइस भी कहा जाता है ए सिस्टम एम्प्लॉय फोटो टाइमर टू मेज़र द एक्सरे इंटेंसिटी एंड क्वालिटी मतलब ए सिस्टम में एक्सरे इंटेंसिटी और क्वालिटी को मेजर करने के लिए फ़ोटो टाइमर लगा होता है इट प्लेस्ट बिहाइंड द कैसेट मतलब ए डिवाइस कैसेट के पीछे लगी होती है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस जगह ए, -ए डिवाइस लगी होती है ए डिवाइस टू टाइप में अवेलेबल होती है फर्स्ट है आयोनाइजेशन चैम्बर टाइप सेकेंड है सॉलिड स्टेट टाइप। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मेमोग्राफी एग्जामिनेशन या प्रोसीजर मतलब मेमोग्राफी कैसे की जाती है इसके बारे में बात करेंगे और इसके इंडिकेशन कॉन्ट्राइडिकेशन और पेशेंट प्रिपरेशन की बात करेंगे और मेमोग्राफी को किस किस व्यू में करना चाहिए इन सब टॉपिक्स की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा